हेलो एंड जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने एनडीए के मैथ के एग्जाम के अंदर 200 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं। यहां हम बात करेंगे स्टेप हमें कौन से फॉलो करने हैं 200 प्लस का स्कोर करने के लिए मैथ के एग्जाम के अंदर, और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है ताकि हम आसानी से अपना 200 प्लस का स्कोर का टारगेट जो है उसे अचीव कर पाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हमें अपने टारगेट को सेट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि मैथ के एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या होता है। तो मैथ का जो एग्जाम होता है उसमें सिलेबस आपका होता है क्लास 11th और 12th की मैथ। इसके अंदर आपको पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चन। अब ये जो 120 क्वेश्चन होते हैं इनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 300। अब इन 300 में से आपको 200 लेकर आने हैं, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी सिलेबस है उसको तीन कैटेगरी में आपको बांट लेना है। एक होगी ईजी, हार्ड और मीडियम। ये बात मैं आपको सभी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि पहले सिलेबस को तीन कैटेगरी में बांट लो ताकि ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये जो टॉपिक आपने बांट रखे हैं इसके अंदर आपको फिर दो कैटेगरी और बनानी है, वो ये होंगी कि इनमें से आपको कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। अब इन कैटेगरीज को बनाने के बाद आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ देखना है कि ये चैप्टर कैसे कैसे हैं और उस चैप्टर की लेंथ क्या और कैसा वो है, आपके लिए कितना हार्ड लगता है कितना ईजी लगता है, उसके हिसाब से उसके दिन डिसाइड कर लो कितने दिनों के अंदर वो चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, तो उन 6 महीनों के अंदर आपको कैसे करनी है उसको देखकर चलना है। यहां पर आप लास्ट का एक महीना उसको छोड़कर चलना क्योंकि उसके अंदर हम करेंगे रिवीजन। तो यहां पर आपने सभी के अंदर दिन लिख दिया कि कितने दिनों के अंदर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं उसके आगे। तो उसके आगे आपको ये करना है कि इसमें दो तरह के चैप्टर हो जाते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होते हैं, अब डिपेंडेंट चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए आप कैलकुलस करने जा रहे हो, तो कैलकुलस जब आप करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है और उसके अंदर लॉग भी यूज होता है। यानी जो आपका कैलकुलस है वो डिपेंडेंट चैप्टर है, उसके लिए आपको पहले कुछ चैप्टर पढ़े हुए होने चाहिए। और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट चैप्टर, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री ही है तो उससे पहले आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो किसी से लिंक नहीं है पहले, ठीक है। तो आपको पहले इंडिपेंडेंट चैप्टर से शुरुआत करनी है, उसको पढ़ना शुरू करना है। जब आप इंडिपेंडेंट चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आरएस या आरडी उठा लेनी है अपने क्लास 11th और 12th की और उससे पढ़ना शुरू करना है। यानी आपको यहां पर एनडीए के लिए जो बुक्स आनी है उनको हटाकर अपनी 11th और 12th की बुक को ही प्रेफर करना है क्योंकि उन्हीं से आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। क्या आप जानते हैं कि अनअकैडमी से पढ़कर हजारों कैंडिडेट ने अपने एनडीए के एग्जाम को क्रैक किया है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अनअकैडमी पर ऐसे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जिनको ज्वाइन करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि इनमें से मेरे लिए कौन सा बैच सुटेबल होगा, कौन सा बैच मुझे लेना चाहिए, तो ऐसी सारी क्वेरीज को आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं एक्सपर्ट के साथ। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक गूगल फॉर्म को फिल करना होगा, वहां पर अपनी क्वेरी को पूछना होगा। इस गूगल फॉर्म को फिल करते हुए आपको रेफरल की जगह पर यूज करना है Apex 10 कोड, या इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, QR आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उसको जाके स्कैन करके भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं जैसा कि अनअकैडमी पर ऐसे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, इनमें से एक बैच है संकल्प जो शुरू हो चुका है 22 सितंबर से, जो आपके आने वाले एनडीए के एग्जाम के लिए डिटेल टारगेट बैच है। इसको ज्वाइन करके आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, इसके अलावा यहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स परचेस करते हैं। तो इन सभी कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा और एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। और फिलहाल अनअकैडमी पर 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है अनलॉक 20 का ऑफर। इस बीच आप लोग अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, इसके बाद करोगे तो सिर्फ 10% का डिस्काउंट ही आपको मिलेगा। तो इन कोर्स में एनरोल कीजिए, ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आप लोग आने वाले एनडीए के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर के साथ उसको क्रैक कर पाए। क्लास 11th और 12th की जब आप बुक उठाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर जब आप एक चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो आपको फॉर्मूले मिलेंगे उससे जुड़े हुए जो भी एक्सरसाइज होती है उसको कंप्लीट कर लेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से करते करते जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बुक से, उसके बाद आपको जाना है एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेनी है जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अब जब आपने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी आरडी या आरएस से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए आपको यह पता चल जाएगा कि आपने जो पहले किया था उससे थोड़ा सा लेवल डाउन है इसका, यानी ये इतनी टफ नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन आपको होंगे जो देखने को मिलेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चन भले ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, जो हमने 11th और 12th में नहीं पढ़े होते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो लेक्चर वगैरह देखेंगे, जो क्लासेस वगैरह देखेंगे, उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके यहां पर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी सबसे पहले आपको करना है आरडी आरएस अपना चैप्टर कंप्लीट, इसके बाद जाना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके हो जाते हैं
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पर जाकर थोड़े से और क्वेश्चन खोज लेने हैं और उस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कैसे करते करते चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो पहले आपको इंडिपेंडेंट चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको जाना है डिपेंडेंट चैप्टर पर। इन सभी चैप्टर को करते हुए आपको एक बात जरूर ध्यान होनी चाहिए कि जैसे मैंने ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने ये बताया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं उससे आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। इससे आपका टारगेट है वो सेट होना शुरू हो जाएगा शुरू से ही कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन 200 मार्क्स में लाने हैं मुझे, तो इतने क्वेश्चन मैं पहले से कर चुका हूँ, मेरे सही हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने चैप्टर और कंप्लीट करने हैं 200 लाने के लिए। अब एक बार जब इंडिपेंडेंट चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद चलते हैं डिपेंडेंट चैप्टर पर। तो इंडिपेंडेंट अगर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तब जाना उस पर, ताकि वो जो यूज हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान लीजिए आप कैलकुलस कर रहे हैं, कैलकुलस के अंदर आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं करी है तो आपकी कैलकुलस खराब होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत जगह पर वो यूज होती है। चाहे हम एरिया की बात करें, चाहे हम इंटीग्रेशन की बात करें या डिफरेंशिएशन की बात करें, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही होती है। कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिनको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार एक आध क्वेश्चन तो पूछा जाता है, जैसे लॉगरिथम। अब मैं लॉग में से यार पूछा तो एक ही क्वेश्चन जाता, पर ये जो लॉग है ना वो कई जगह यूज होता है। जैसे कि कैलकुलस के अंदर तो बहुत जगह लॉग यूज होगा, बिना लॉग के आप कैलकुलस कर भी नहीं पाते हैं। दूसरा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं कहीं पर लॉग यूज हो रहा होता है। तो ऐसे करते हुए आपको पहले चैप्टर से लेकर 29वें चैप्टर तक यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जाना है और सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है। और इन चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ रही हो और स्पीड भी साथ में इंक्रीज हो रही हो, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी पे हमें बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे जब भी आप एक चैप्टर को कर रहे हो, उसके बाद आपको जाना है स्पीड पर। टाइमर लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा ताकि हमारी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो। तो एक टाइमर लगा दोगे एक क्वेश्चन के लिए कि हाँ मैंने इसको इतना टाइम दिया है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इसी तरीके से करते 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 आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और आप एक प्रो हो जाएंगे अपनी मैथ के अंदर। अब तक आपने क्या करा था, क्लास 12th में आप बड़े स्लोली करते थे, मजे में करते रहते थे, क्वेश्चन कोई ज्यादा बोझ नहीं था आपके ऊपर, लेकिन अभी आपके ऊपर टाइम की बाउंडेशन है, क्योंकि आपको 2.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए। अब 200 प्लस का स्कोर करना है तो 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने टाइम को अच्छा करना होगा, टाइम का मैनेजमेंट सही से करना होगा। वहां पर जाकर आपको अपनी OMR सीट भरनी है, तो आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से बचाकर चलने होंगे। जब भी तैयारी कर रहे हो जो कॉपी है अपनी प्रॉपर नोट्स बनाकर चलना, देखते हुए चलना, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप सीधे जाकर वहां पर देख लें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो उस क्वेश्चन को ज्यादा देर लगाने में। अब इस पूरी तैयारी के बीच में आपको एक काम करना है, जैसे आपकी 2 महीने की तैयारी पूरी हो जाती है वहां से आपको मॉक करना शुरू कर देना है। अब 1 महीने के अंदर 3 से 4 मॉक आप लोग दे रहे हो, या आप लोग अपने आप से भी पेपर सेट कर सकते हैं ऐसे रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाकर, या प्रीवियस ईयर पेपर को ऐसे ही सॉल्व करके कोई सा भी एक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया उसको सॉल्व करने लगे, वो भी आपका मॉक की तरह काम करने लगेगा। इससे आप और इंप्रूव होंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको टैकल किया जाता है। अब पेपर को करते हुए एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर कर रहे हो तो उसी टाइम पे पेपर करना जैसा आपका आता है NDA के अंदर। आपका जो पेपर होता है वो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है, तो जब भी आप मॉक करें आप 10 बजे से 12:30 के बीच में करेंगे, तो आपको एक तरीके से वो आदत हो जाएगी उस टाइम पर मॉक करने की, आपको आदत हो जाएगी उस टाइम पर पेपर को सॉल्व करने की। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तक आप 15 से 20 कम से कम मॉक कर चुके होंगे, और 20 मॉक करने के बाद जब आप उसी टाइम पर उसी पेपर को दे रहे होगे तो आप पहले के 20 या 15 पेपर का एक्सपीरियंस लेकर आए हो। इससे बहुत फायदा मिलेगा, आपको लगेगा यार ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात पता है आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर देगी, और आपके अंदर जो हेजिटेशन है और आपका जो डर है वो सारा का सारा निकाल देगी। आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी वहां पर जाने के बाद, क्योंकि लगातार आप उस टाइम में पेपर देते हुए आ रहे हो। ऐसा मत करना कि पहले आप लोग दिन में 12:30 बजे तक सो रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप लोग क्या करो जैसे एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर आपको पहले उठकर जाना पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पर आपको दिमाग लगाने की आदत रही नहीं क्योंकि आप उस टाइम पर तो सोते थे, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरीके से पहले से ये सारी तैयारी करके चलना है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देती है एक साथ मिलकर। अब मॉक देने के दौरान आपको अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके चलना है, मॉक के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने आपके सही गए, कितने आपके गलत गए, वो सारे क्वेश्चन आपको अपने पेपर पर नोट करके चलने हैं। अब वहां पर आप क्या करोगे, डेट डाल दोगे, मॉक डाल दोगे, कौन सा मॉक कराता था, मॉक नंबर 1 या 2, उसके अंदर जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी लिख दोगे, कितने क्वेश्चन करे, कितने सही गए, कितने गलत गए और कितने आपके मार्क्स उसके अंदर से आ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, नीचे रिमार्क लिखना है, यानी आपकी जो गलतियां आपने पकड़ी हैं, आपने जो प्लस पॉइंट पकड़े हैं कि क्या चीज़ें मेरी सुधरी हैं और क्या चीज़ें मेरी खराब हैं, उनको रिमार्क के तौर पर आपको नीचे लिख देना है। 2 से 3 लाइनें लेंगी इस तरीके से, कॉपी के कुछ 4, 5 या 10 पेज जो होंगे वो आपकी पूरी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए चलेंगे। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर इंप्रूव करना है और कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। इससे आपको किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, किसी और मेंटर की जरूरत नहीं होगी, आप अपने खुद के मेंटर होंगे, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट खुद से लिखी है और बहुत ही ऑनेस्ट रिपोर्ट लिखना है, इसके अंदर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां हैं
सीधे सीधे लिख दो, जो चीज़ें आपकी वीक हैं उसे लिख दो, ताकि आपको पढ़ने में समझ में आए, ताकि आपका मन जब आपका दिमाग ये कहे कि आपको अलग हटाए, वो बताएं आपको कि अरे तेरे में गलती नहीं है, तू ठीक कर रहा है। लेकिन जो कॉपी पर आपने उस दिन लिख दिया था, वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये गलती तो है मेरे अंदर, मुझे सुधारनी तो पड़ेगी वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से आपको अपने रिमार्क्स भी देते हुए चलना है, तो ऐसे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती हुई चली जाएगी और आप अपने एग्जाम के अंदर 200 प्लस का स्कोर कर पाएंगे मैथ में। तो अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड जय हिंद, टेक केयर।